हर जीव जिसमें धड़कन है उसमें एहसास है, और इनका एहसास क्या कह रहा था? शायद चोंच मार के वो मुझे यही कहने की कोशिश कर रहे थे पक्षी कि भाई खिड़की खोल दो, मैं थोड़ी देर अंदर आके गर्माहट ले लूँ। लेकिन गर्माहट की ज़रूरत तो हमें भी थी। हम अपने कमरे की बालकनी में सुबह सुबह आ गए, आ करके बैठ के बाहर का नज़ारा भी ले रहे थे, और हमने कहा कि इसी मार्ग से अगर ये अंदर आ जाएंगे तो थोड़ी देर आ करके बाहर की ठंडी हवा से ये बच सकते हैं। और यही सोचती रही मैं कि वाकई दुनिया में कितने ऐसे जीव जंतु हैं जिनके एहसास को समझने वाला तो कोई भी नहीं है। हम भी कितना समझ पाते हैं, बस इतना ही ना। दोस्तों, गांव और घर की चीजों का ना कोई जवाब नहीं होता है। ये घर का चूड़ा है। जो छोटी वाली सिस्टर आई है ना, तो वो आई है, मैंने आपको बताया था, गोपालगंज छपरा से पोस्टिंग भी उसकी वही है और हमारा गांव भी वही है, तो वहां से चूड़ा लेकर के आई है। तो घर का बना हुआ चूड़ा है। तो हमने कहा कि इतना दिल करता है, आप सबका भी दिल करता होगा, गाँव से किसको, हर किसी को मुंह होता है। बाबूजी ने भेजा है हम लोग की खेत है सहसा में, मधेपुरा में हम लोग की जमीन है बहुत ज्यादा खेती की, तो वहां से के धान का ये चूड़ा है, तो वो भेजा है। मुझे लगा कि ये गांव से आई है तो वहां से जहाँ हमारा मतलब ददिहाल ननिहाल है वहां का चूड़ा है ये। तो ये देखिए, ये अपने खेत का है, अपनी जमीन का है, अपने खेत का चूड़ा है। हाँ, ये अपने खेत का चूड़ा है और ये बाबूजी ने भेजा है छोटी बाबू के हाथों में। बाबूजी जब नौकरी में आए ना तो पटना आकर के उन्होंने वहीं पे सेटल हो गए और वहाँ पे घर वर बना लिया है। पर हमारा जो नींव है वो छपरा, सिवान, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर, यूपी से, मतलब वो सब बॉर्डर पे जी जितना है उससे जुड़ा हुआ है। माँ के जो मायके का ज़मीन थी, खेती है, सब वो है, क्योंकि मदर मेरी दो ही सिस्टर थी तो वो सारी ज़मीनें उधर भी हैं। सहरसा में जो भी बता रहे थे वहाँ पर हमारी ज़मीन थी, तो वहाँ पर खेती होती है, बहुत उपजाऊ वो ज़मीन है, तो वहाँ से भी हमारे घर अनाज आता है सारा। और जो पुरखों की ज़मीन है, मतलब दादा उदा की है और नाना उना की, और भी जो इनसे रिलेटेड है छपरा, सिवान, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ से भी हमारे घर में अनाज आता है। तो बिल्कुल, हमने आपसे एक बार ही कहा था कि मैं खेतीहर घर के, किसान के घर की हूँ, पर हाँ, किसान के घर में वो जो हमारा ज़मीन से जुड़ाव रहा है वो उसकी वजह है यही। और पिताजी चूँकि ऑफिसर थे और वो पटना में पोस्टिंग हो गई, तो हम सबके जो जनरेशन के लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे बस गए हैं। जैसे एक भाई लखनऊ में रहते हैं, दो भाई पटना में ही रहते हैं, बाबूजी अब रिटायर हो गए, 95 इयर्स के हैं, तो वो भी पटना में रहते हैं। तो ये सब आपको बता के मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने अपने कमरे को भी ठीक कर लिया और आज मैंने वोलेन जो बेडशीट है वो निकाला, क्योंकि जब कल उस कमरे को ठीक कर रही थी तब ध्यान नहीं रहा, जब मैं ऊपर से रजाइयां वगैरह निकालने लगी ना उस कमरे को ठीक करने के लिए जिसमें कि सिस्टर्स दोनों स्टे कर रही हैं वो वाला, तो ऊपर से मुझे वो पैकेट दिखा, मैं भूल ही गई थी, पिछले साल 3 चादरें मैंने ली थी ये वोलन वाली, तो वो मैंने उसमें से एक मैंने आज अपने कमरे में डाल दिया है। देखिए, हमारे घर को एकदम भरा पूरा कर दिए हैं आप लोग। सावित्री जी है, बौदी जी, मिल गया सब कुछ, मिल गया। ये देखिए क्या तैयारी हो रही है सब्जी उब्जी बनने की। और ये मेरा खराब हो गया, चला गया बनने के लिए। पानी कैसे पिएंगे? पानी उबाल के उसको छान दो पतला कपड़ा से, जो मलमल वाला कपड़ा है ना, ये जो कोना है ना इसमें, उससे छान। उबाल दिए भाभी, पानी उबाल दिए ना? अच्छा चलो, कोई बात नहीं, आप चढ़ा दो पानी और बाद में ठंडा हो जाएगा तो हम छान के डाल लेंगे। ऐसे भी दो बोतल है, दो बोतल है ना? लेकिन दो बोतल से काम नहीं चलेगा सबके। कौन खाने बनाने का वीडियो डालते हैं ना? हाँ, तो इस वो अपना बना लेगी ना। हाँ हाँ, इसका भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये नाच नाच के बढ़िया बढ़िया नाचती है। अरे इसका बहुत बढ़िया है, इसका इतना 2500 सब्सक्राइबर हो गया है। सावित्री
सावित्री, पूरा नाम बताओ। सावित्री दिलदार चैनल है, दिलदार चैनल। और दीदी अपना चैनल का नाम बताइए आप। देवरिया की बहू, सुनीता त्रिपाठी। और चेहरा देख लीजिए आप लोग साथियों, ये वाला चेहरा होगा तब सब्सक्राइब कीजिए। और बॉडी अभी चैनल बना ही नहीं रही है, मतलब जो मेरे आस पास आता है सबको मैं चैनल बनवा देती हूँ। अच्छा है ना, सबको बिजी रहना चाहिए। बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए देखिए, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, क्या बात है। हाँ, ध्यान से उतर। पता चला कि बात ऐसे थी। हाँ, भोरे भोरे सीढ़ी पर से गिर गई ली है, वो गमलो तोड़ ली है, अपन कमर तोड़ ले बड़ी, अपन कंधा तोड़ ले बड़ी। अब हमारी एगो हमनी के सब्सक्राइबर मित्र बड़ी, सुमन सिंह नाम है उनका। चप्पल इतनी बड़ी है ना, लूज दोनों था। क्या था, कैसे नहीं। तो हम बता रहे उस दिन ना, तो सुमन सिंह है मेरी दोस्त है, तो मेरा भी नाम सुमन है, तो हम लोग दूसरे को मीता बोलते हैं। अच्छा, तो जब हम भोजपुरी में कोनो चीज बतिया के डाली ले तो खूब खुश हो खेली। मोतिहारी के ही बता दिए क्या, धोप धोप गिर ली है हमारे बहन। आज गिर गई ली सीढ़ी पर से, इतना जोर से सीढ़ी ना टूटल है, कम बका सीढ़ी ना टूटल है। हाँ, सीढ़ी ना टूटल, ऊपर से उससे ऐसा फिसल ली है, भोरे धूप में बैठे जात रही तो ऊपर से गिर के चोट लग गई लो इनका। तीनों बहने कमल भाटिया और मिकी जी को लेकर के घुमाने जा रहे हैं। इंडिया गेट घुमाने जा रहे हैं उनको हम लोग। गाड़ी में बैठते ही हम सब हंस पड़े बहुत जोर से। हुआ यूं कि कमल को धूल से एलर्जी है, आप सबको मालूम है, तो उन्होंने पूरा पानी ले लिया है ना, तो छोटी सिस्टर ने कहा कि हाँ गर्म करके पानी ले लिया है, तो उस पर मैंने उनसे कहा कि भाई गर्म करके पानी लिया है पर कोसा ही पानी लिया है ना, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस हर किसी के साथ कभी ना कभी हो जाता है। तो मैं अपने साथ हुए एक घटना को का जिक्र कर रही थी, मैंने कहा कि किसी को एक बार पानी गर्म करने के लिए कहा, वो इतना गर्म करके दे गए, मैंने सोचा कोसा होगा, और जैसे ही घूंट भरा तो पूरा मुंह मेरा जल गया। हाय, मेरी चौतीसी हमेशा दिखाई देती रहती है, सबकी बत्तीसी होती है ना। कभी दांत मेरा बंद ही नहीं होगा, कहीं भी आप लोगों ने कहीं भी फोटो देखी होगी, हमेशा मेरा 32 दांत दिखाई देता रहता है। बहुत सारे शांति से गुजर रहे थे, भीड़ भड़क के को देख रहे थे, और मेरे मन के अंदर वो चल रहा था, ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन इतनी लंबी थी। मैंने पूछा किस चीज़ की लाइन है, तो बताया कि अंदर जो म्यूज़ियम है उसके अंदर जाने के लिए ये लाइन लगी हुई है, और ये जैसे ही एंट्रेंस है वहीं से लाइन थी, और सड़क के दूसरी तरफ भी लाइन लगी हुई थी। एक तो संडे और दूसरा क्रिसमस ईव था, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, अच्छा लग रहा था। पर बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही थी, 20 साल पहले लास्ट टाइम आए थे, और अब हम फिर अपने बहनों के साथ यहाँ आए। तो दोस्तों अभी घर वापस आ गए, हम लोग घूमने गए हुए थे, आपने देखा, बहुत एंजॉय किया वहां पे हम लोगों ने। थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है छोटी वाली को, तो वो अपने कमरे में अभी लेट गई है। अभी खाना हमने डिनर वगैरह नहीं लिया है, बस मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, फ्रेश हो गई, थोड़ा सा चेहरा वगैरह धो लिया, क्योंकि धूल धूल सा ऐसा फील हो रहा था, इतनी भीड़ थी, आप सबने देखा ही देखा, दीदियाँ बैठी हुई है जो वीडियो बना के लाई थी उसको अपना एडिट करने के चक्कर में है, वो उसका भी चैनल है, आप सबको मालूम ही है, ये है देवरिया की बहू नाम से उसका चैनल है, सुनीता त्रिपाठी वैसे उसका नाम है, और देवरिया की बहू नाम से इसका चैनल है, और छोटी का भी है, उसने अभी जैसे सबको मैं शुरू करवाती रहती हूँ वैसे सबको बिल्कुल पीछे लग लग के नहीं, शुरू करो, कुछ तो आदमी करता रहेगा। तो छोटी सिस्टर का भी एक चैनल है, वो संगीता डी अर्चना के नाम से है, क्योंकि वो टीचर है तो कुछ उससे रिलेटेड चीजें डालती है, कुछ उसी तरीके की चीजें वीडियोस वगैरह डालती है। अगर आप सबका इंटरेस्ट होगा तो जाके देखिएगा आप लोग, और चैनल को अगर इंटरेस्ट आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा। और आज के वीडियो का समापन यही करते हैं। उधर कमल और मिकी दोनों बैठे हुए हैं अभी ड्राइंग रूम में, थोड़ी देर बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, और जो कुछ है उसमें अगर कोई खास होगा तो हम आप सबको जरूर दिखाएंगे। और अब आज के इस वीडियो का समापन हम यहीं भी करते हैं, बहुत अच्छे से आज का दिन भी गुजरा,
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप सबने लिखे हैं हम तीनों बहनों के लिए और पूरी फैमिली के लिए, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे बहुत प्यार भरे कमेंट्स हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और शुक्रिया अदा इसलिए कि आपने वीडियो देखा और सब्सक्राइब किया। अच्छा, आपने नहीं किया सब्सक्राइब, क्यों नहीं किया आपने? आपको अच्छा नहीं लग रहा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप भी, और इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। DIY वगैरह भी मैं करती रहती हूँ, अभी फिलहाल थोड़े फैमिली एंजॉयमेंट में हूँ, फैमिली गैदरिंग में हूँ, तो इसलिए नहीं कोई DIY कर रही हूँ, लेकिन सिलाई उलाई की चीज़ें जो है रिलेटेड हमेशा डलती रहती है। आप पीछे के मेरे वीडियोस को जरूर जाके वॉच करिएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे होती है फिर से मुलाकात, मेरा तो इंतज़ार बिल्कुल कभी ख़त्म ही नहीं होता है। एक दिन मुलाकात होती है तो फिर कल के इंतज़ार में मेरी रातें गुजरती है कि कब कल हो और आप सबसे मुलाकात हो। तो ये प्यार भरा रिश्ता यूं ही चलता रहे, अपनी सेहत का ख्याल करते हुए जरूर आइएगा मिलने, मैं वहीं पे आके आपका इंतजार करूंगी जहां कोई और नहीं आता जाता, सिर्फ हम और आप होते हैं। जी हाँ, हर इंडिविजुअल होता है उस तरफ और इंडिविजुअली आपकी ये दोस्त इस तरफ होती है। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।